देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ, जो कि अमेठी जिले के कमरौली थाना क्षेत्र अंतर्गत पालिया पश्चिमी गांव में पड़ोसी जनपद बाराबंकी जिले के थाने के पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए जब पहुंची तो पुलिस पर ही आरोपी की हत्या का आरोप लग गया। और बता दें कि आरोपी अपने ससुराल पालिया पश्चिमी आया हुआ था और परिजनों का आरोप है कि वह अपने दुर्घटनाग्रस्त हुए साले को देखने आया था। उसी की खोज में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अभियुक्त को दौड़ा दिया और भागते हुए अभियुक्त को नहर के पास से पकड़कर लात घूसों और डंडों से पीटा है, जिसके बाद पुलिस उसे लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची है, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। और जिसकी वजह से आपको बता दें कि गांव और इलाके में हड़कंप मच गया है, वहीं परिजनों ने न्याय की मांग की है। हमारे घर के बाजू का मामला था, उसके बाद में सुबह में गई 6 बजे पुलिस घर पे छापा मार दिया। मैं बोला सर जी क्या हुआ, कहाँ की पुलिस छापा मारी थी? ये था वहाँ से ब्याह का। अच्छा, और हमारा गांव पलिया पश्चिम है, यहाँ पे सुबह में पुलिस छापा मारी तो मैं बोला सर जी क्या हुआ, बोलते हैं कि कोई भाग के गया। मैं बोला नहीं सर। उसके बाद में मुँह उठा, कपड़े लत्ता पहना, बाहर देखा तो दौड़ा दौड़ा के उसको मार रहे थे। मामला सर इनके जीजा थे, उनके भाई का एक्सीडेंट हुआ था, देखने के लिए आए थे 2 दिन पहले। अब इनके गांव का क्या मामला था, क्या केस चल रहा था, सुबह 6 बजे पुलिस ने छापा मारी मेरे घर, पूरे परिवार के घर में छापा मारी, कहीं पाए नहीं मुलजिम को। तो फिर ये नहर पर गए, वहीं पर इनको गिरा के मारा, बेहोश कर दिया मारते मारते, पता लगा कि डेड बॉडी हो गई। और सर दूसरी बात, हमारे ग्राम सभा पलिया पश्चिम को न प्रधान को सूचना दिए, न हमारे ग्राम सभा पलिया पश्चिम के जो थाना लगता कमरौली, न वहाँ सूचना दिए। ये कैसा अन्याय है, हमको न्याय चाहिए इसका। थाना क्षेत्र में ग्राम खाती में दोस्तों के साथ अर्ध निर्मित तालाब में नहाने गए 19 वर्षीय विजय कुमार दोस्तों के साथ नहाते समय पानी में डूब गया। और बता दें कि जब तक ग्रामीण उसे निकाल पाते तब तक विजय कुमार की मौत हो गई थी। वहीं घटना की जानकारी अचलदा थाना पुलिस को दी गई और घटना स्थल पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। तालाब खुदा है, किसके लिए खुदा है? प्रधान जी ने बताओ, लल्ला प्रधान ने तो बताओ, एक बकरिया हाकत में अगर उसका पैर फट गया, वो मर गया, अब और आएंगे तो बताओ, वो डूबे गए इसी में। आज दिनांक 5 जुलाई 2023 को अपराह्न 2 बजे विजय कुमार पुत्र पुतुलाल दोहरे, उम्र 19 वर्ष, निवासी सराय खाती थाना सलदा जनपद औरैया, नवनिर्मित तालाब में अपने गांव के दोस्तों संग नहाने गए थे। पानी में डूबने से उनकी मृत्यु हो गई है। शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेज दिया गया है। विधिक कार्रवाई प्रचलित है, कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। खबर हमीरपुर से, जहां आर्यन टीवी खबर का असर देखने को मिला है। बता दें कि विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही से 9 अन्ना मवेशियों की करंट लगने से मौत हो गई थी और इस मामले में राठ विद्युत उपकेंद्र के एसडीओ चंदन सहित जेई सदार गुरुशरण पर धारा 429 के तहत मामला राठ कोतवाली में दर्ज किया गया है। और बता दें कि बजरंग दल सहित हिंदू विश्व परिषद के अध्यक्ष फूल सिंह की तहरीर पर मामला दर्ज हुआ है। मामला हमीरपुर के सरीला तहसील के बड़े माफ का है और जहां पर सरकारी वही आपको बता दें कि नलकूप नंबर 187 में ट्यूबवेल चालू करने के लिए विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने ट्रांसफार्मर को जमीन में रखकर वही नलकूप को चालू कर दिया और लेकिन बरसात आने के बाद नलकूप में रखे ट्रांसफार्मर से जुड़े 11,000 के लाइन को काट दिया गया और लेकिन तार को जमीन से छूते हुए यूं ही छोड़ दिया गया और जिससे कि 11,000 लाइन की चपेट में आने से किसान की
भैंसों की मौत हो गई है और पीड़ित किसान ने बिजली विभाग पर आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई और मुआवजे की मांग की है। नोएडा में मौसम सुहाना हो गया है और तेज हवाओं के साथ बारिश भी हो रही है। बता दें कि मौसम विभाग ने बारिश के पहले ही जानकारी दे दी थी कि वहीं नोएडा में चारों तरफ काले बादल छाए हुए हैं और जिसके चलते लोग अपने ऑफिस के लिए छाता लेकर निकल रहे हैं। कोतवाली सिविल लाइन क्षेत्र के ग्राम वजीर नगर में आपको बता दें कि जंगल में लाखन सिंह का 30 जून को शव मिला था और जिस पर उसकी पत्नी कुसुम ने तहरीर देकर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया था और पुलिस और एसओजी की टीम हत्या के खुलासे में लगी हुई थी और इस हत्या में लाखन सिंह की पत्नी कुसुम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और लाखन सिंह के बड़े भाई अतर सिंह की भी 4 साल के पहले सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। उसके बाद उसकी पत्नी कुसुम का विवाह लाखन सिंह के साथ हुआ था और कुसुम अपने प्रेमी प्रदीप भगत जो कि लाखन का मौसेरा भाई है उससे अवैध संबंध चला रही थी और जिसको लेकर विवाद हुआ और इसी बात से नाराज होकर कुसुम ने अपने प्रेमी प्रदीप भगत के साथ मिलकर लाखन की गला रेत कर हत्या कर दी। ये पता चला कि प्रदीप भगत अपने एक मित्र बिजनेस जो बिदारी का रहने वाला उसके साथ गांव में देखा गया था। उस दिन आसपास देखा गया था और गांव के बाहर जो है जो मृतक है वो प्रदीप और बिजनेस के साथ देखा गया था। ये प्रदीप भगत जो है ये तंत्र मंत्र का काम भी करता है और आप लोग घटनास्थल पर गए होंगे, वहाँ पर कुछ इस तरह की सामग्री मिली थी, सिंदूर और एक दारू का पाउच और सामग्री, जिससे ये लग रहा था कि तंत्र मंत्र की विद्या कुछ यहाँ पर की गई। तो प्रदीप को गिरफ्तार किया गया, इसे बिजनेस को जो बिजनेस को गिरफ्तार किया गया तो इसने। अमेठी में सब्जियों के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और टमाटर के भाव आसमान छू रहे हैं। पहली बार टमाटर के भाव पेट्रोल के भाव से भी ज्यादा हो गए हैं और ऐसे में लगभग सभी सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी हुई है। वहीं विक्रेता प्रेम कुमार मिश्रा का कहना है कि हमारे यहां सभी सब्जियां 50 रुपये के ऊपर बिक रही है और टमाटर 140-150 रुपये किलो बिक रहा है। वहीं सब्जी लेने आए पंकज श्रीवास्तव का कहना है कि पहले हम सब्जी झोले भर कर ले जाते थे लेकिन अब सिर्फ पाव और 100 ग्राम लेकर जाते हैं। महंगाई अपने चरम पर होती जा रही है जिसके चलते घर का बजट गड़बड़ा गया है। इस बार बहुत फर्क हुआ है सब्जी के रेट में। जो सब्जियां पहले 50 रुपए में टमाटर जैसे मिल जाता था आज वो टमाटर 150 में है और बाकी सारी सब्जियां से परवर है 25 रुपए पाव हो गया है। बाकी सब्जियां भी बहुत, तो ऐसा लगता है कि अब महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि नॉर्मल जनता खाने के लिए मर जाएगी। सब्जी तो देखा जाए तो लेने लायक ही नहीं है। अगर जहाँ लेने को मिलना है 1 किलो वहाँ पाव लेना है अभी 200-150 रुपये किलो कुछ सामान खरीदा सकता है। इतने 5 किलो टमाटर मिलता है उतने में आज 1 किलो मिल रहा है, कौन खाएगा? क्या रेट है टमाटर के देखिए? टमाटर मार्केट में बता रहे हैं लोग 150 रुपये। ऐसे में क्या लगता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है? बहुत ज़्यादा क्या, अगर देखा जाए तो महंगाई है ही है। और सब्जी का व्यापार करते हैं, अब सब्जी के रेट कैसे हैं और पहले की अपेक्षा में किस प्रकार सब्जियां बिक रही हैं? अब सब्जियां भैया अब बड़े पैमाने पर पहले बिकती थी लेकिन अब उसका 1/4 भाग बिक रहा है। मतलब 2 क्विंटल टमाटर बेचते थे अब केवल 50 किलो बिक रहा है दिन भर में। देखा जाए टमाटर के रेट क्या है आपके यहाँ? टमाटर का रेट 140 रुपए किलो है। कोई सब्जी ऐसी है जो 50 के नीचे है? नहीं नहीं, 50 के नीचे केवल कटहल बिक रहा है जो 20 रुपए किलो है, बाकी 50 रुपए से 60 रुपए 140 रुपए यही इसका रेंज है। सावन का महीना शुरू होते ही जहां एक तरफ मॉनसून ने लोगों को गर्मी से राहत दे दी है तो वहीं मौसम सुहाना हो गया है। वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद नगर निगम के इंतजाम धरातल पर धाराशाही होते हुए नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर गाजियाबाद के अन्य जगह और गौशाला
फाटक के अंडरपास की है, जहां एक तरफ गाजियाबाद स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का स्लोगन दीवारों पर अंकित किया गया है, तो वहीं जलभराव स्वच्छ सर्वेक्षण को पलीता और नगर निगम की पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ गाजियाबाद के बीचों बीच विजयनगर को सिटी से जोड़ने वाले एकमात्र अंडरपास गौशाला में हमेशा से ही बारिश के पानी से जलभराव की समस्या बनी रहती है, वहीं इसका दूसरा मुख्य कारण भी नजदीक में गौशाला के अंदर रोड में उभरकर ऊपर निर्माण कार्य किया गया है। खबर रामपुर से है, जहां जनपद में सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है और जिससे रामपुर की रोड में जलमग्न हो गया। साथ ही आपको बता दें कि लगभग 6 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश से रामपुर में नगर पालिका की पोल खुलती हुई नजर आ रही है और वहीं 6 घंटे के मूसलाधार बारिश से लोगों ने वहीं गर्मी से राहत की सांस ली है और मौसम ठंडा हुआ है। खबर बुलंदशहर से है, जहां गुलावटी में उधार दिए 5,000 रूपये मांगने पर दबंगों ने युवक को चाकू से हमला कर दिया और साथ ही आपको बता दें कि गंभीर हालत में घायल को सीएचसी रेफर हायर मेडिकल सेंटर में रेफर कर दिया गया है। और वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने 3 दबंग भाइयों सहित 4 हमलावरों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। साथ ही आपको बता दें कि यह पूरा मामला गुलावटी कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। आपको बता दें खबर बुलंदशहर से है, जो कि दबंगों ने युवक पर चाकुओं से हमला कर दिया है और हमलावरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आपको बता दें कि गुलावटी कोतवाली क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि खबर बुलंदशहर से है, जो कि दबंगों ने युवक के ऊपर चाकुओं से हमला कर दिया है, हमलावरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है फिलहाल और यह पूरा मामला गुलावटी कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि खबर बुलंदशहर से है, जो कि गुलावटी कोतवाली क्षेत्र में दबंगों द्वारा युवक पर चाकुओं से हमला किया गया। साथ ही आपको बता दें कि हमलावरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है फिलहाल और यह पूरा मामला आपको बता दें कि गुलावटी कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। झांसी के वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन पर एक नाबालिग मासूम के साथ एक युवक ने छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद घटना की सूचना वहीं पुलिस को दी गई और जिस पर जीआरपी पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दिया है। और साथ ही आपको बता दें कि एक आरोपी को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। देखिए, एक हमें सूचना मिली थी, आज सुबह हमें सूचना मिली थी कि एक बच्ची जो है, जो एक खूबी है, उसके ऊपर जो है वो वहां पे बैठी हुई थी और काफी ब्लड जो है वो था। जैसे ही सूचना मिली थी तत्काल उस बच्ची को हम लोगों ने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था और उसके बाद से जो उससे पूछताछ हुई थी तो उसमें ये जानकारी निकल करके आई थी कि रात को लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच में जो 2/3 का प्लेटफॉर्म है। ललितपुर ग्राम पुराखुर्द में विगत दिनों से एक युवक पर हुए जानलेवा हमला गांव के ही दबंग व्यक्तियों द्वारा किया गया है और पीड़ित पक्ष ने पुराखुर्द नत्थीखेड़ा चौकी थाना पूरा कला पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई न करने के आरोप लगाए हैं और मामले में पीड़ित पक्ष आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके चलते घायल युवक को लेकर परिजन ललितपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और जहां उन्होंने पुलिस अधीक्षक से कड़ी कार्रवाई एवं गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराए जाने की बात कही है। साथ ही आपको बता दें कि युवक की हालात गंभीर होने पर उसे झांसी और भोपाल के हॉस्पिटलों में इलाज कराना पड़ा है और आपको बता दें कि उसका काफी लाखों रुपए बर्बाद हो गया है और जिसका मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं है।
स्पेन। कहाँ से आए? बराबर से। क्या हो गया? हमारा बच्चा को मारा है सब। किन लोगों ने मारा? राजेश, विनोद और देवी ने। कहाँ के रहने वाले? बराबर के। क्यों मारा? कह दे हमारे बारी तुमने तार काट दिए हैं। काटे थे? नहीं काटे सर। हमारी पत्नी के साथ क्या हुआ? पत्नी के साथ मारा तो वही खुद जी बचाने गया है। शिकायत करी थी? शिकायत करी थी सर। हम चौकी आए। चौकी में सुनवाई भाई? नहीं भाई, फिर साहब कल हम वो आएंगे। सभी ने कहा जे लोग पावनी को लाने गए तो बस इसको मार दिया है। हाँ बस। शिकायत भाई? अब शिकायत साहब पर हम रिपोर्ट पहुँचाए क्योंकि माँ को पहुँचाओ जो तो साहब मई डर हो तो जो मई डर हो तो फिर हमने की पुलिस आएगी तुम रिपोर्ट पहुँचाओ। भवानीगंज थाना क्षेत्र के ग्राम गोटुटरवा में बीती रात एक युवक को ग्रामीणों ने चोर की आशंका में पकड़ लिया और बिजली के पोल से बांधकर जमकर पीटा और जिसके उसकी मौत हो गई है। और सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची भवानीगंज पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही आपको बता दें कि वही मामले पर स्थानीय वही मौना देवी ने बताया है कि चोर ने रात में घुसकर बक्सा तोड़कर वही सामान लेकर जाते समय हमारे नाक की नथनी झपटकर चोर भागने की कोशिश की और तभी मैंने शोर मचाते हुए उसे पकड़ने के लिए पीछे भागे। आगे ग्रामीणों ने उसे पकड़कर मारा और पीटा जिससे कि उसकी मौत हो गई है। वहीं इस पूरे मामले में आपको बता दें कि मृतक की पत्नी का कहना है कि वहीं गोटुटुवा के आधा दर्जन लोग हमारे घर पर आए थे और आरोप लगाते हुए कहा कि मेरा पति बाहर शौच करने गया हुआ था जहां कुछ समय बाद हमारे पति को शराब पिलाकर उसे मार डाला गया। और वहीं पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद का कहना है कि चोरी करने के नियत से घर में घुसे युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और उसे मारे पीटे जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जांच में जो भी आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। पति का नाम है शिवराज। खाना बनाने जा रहे हैं, चलो दारू पिया तो आओ खाओ। बना लेते गए माँ धारी हमारे आदमी कहने फिर हमारे घरे आए। मैं पति ना रहा तो चला गया बाथरूम कर मार हाथ पकड़ी हमारे साथी जबरदस्ती करा चाहत रहे ये रहे दारू ये सब दारू पी के लेकिन हम ना ही हट गए। हमारे साथ ऐसे करे चाह रहे हैं इस वजह से हमारे पति को मार धारी जाल से। ये थाना भवानीगंज अंतर्गत ग्राम गोटकुटवा है। इसमें रात्रि में एक सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस को कि यहाँ पे एक चोर पकड़ा गया है गांव वालों द्वारा। मौके पे जब पुलिस पहुंची तो उनकी गांव वालों द्वारा बताया गया कि यह व्यक्ति एक घर में घुसा था और गांव वालों ने इसको पकड़ लिया। ये चोरी के इरादे से आया था और इसके साथ मारपीट अधिक मात्रा में की गई थी और पाया गया कि इसकी चोटों के कारण मृत्यु हो गई। इसे मॉर्चरी के लिए भिजवा दिया गया है। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है तो जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्य पूर्ण करी जाएगी। अब अभी है आवा बाबू की हमारे नुकुना झपटिस तो हम खिया दे। अब का करे आ रहा काव ना आ रहा तो वो ईमान धर्म जाने चोरी करे आ रहा कि डाका मारे आ रहा कि काव करे आ रहा। और हमार जोन रहा पेटी में जोन ढूंढ ले गई एक रहे कि चार रहे कि जब हमारे नुकुना झपटिस तब हमारा रात खुला का बता दिया थे जो हमार नुकुना झपटी से तमारा। उसकी मौत हो गई है आप ही के गांव में। कैसे उसकी मौत हुई है? अब मौत यह था कि ऐसा खिया दिन भागत गए और गांव के वहां का टोला आदमी पकड़ी तो सब लोग मारा चोर जान के तब मारा। फतेहपुर जनपद में अलग अलग थानों और क्षेत्रों में आकाशीय बिजली ने जमकर कहर बरपाया है और आकाशीय बिजली की चपेट में आने से चार लोगों की मौत हो गई है और जबकि चार को गंभीर हालत में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बताते चले कि फतेहपुर जिले में तेज बारिश के साथ गिरी आकाशीय बिजली ने एक साथ कई परिवारों की खुशियां मातम में तब्दील कर दी और कुछ लोग अपने खेत में काम कर रहे थे तो कुछ घर के बाहर बैठे थे। आकाशीय बिजली ने फतेहपुर के गाजीपुर थाना क्षेत्र के शाह गांव में दो किशोरियों को वहीं
आपको बता दें कि इसके साथ ही पूरे जिले में अलग अलग थाना क्षेत्रों में चार लोग और ऐसे हैं जिनका जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है और जिसमें दो की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। हाल लगाने गए थी तो पानी गिर रहा था, इसके बाद बिजली गिरने लगी, फिर लोग बाहर निकलते आ रही थी, बाहर निकलते ही जो बिजली अचानक गिर गई, मतलब वहां से कि हम बच जाना है तो बिजली अचानक गिर गई, तो फिर वहां चार लोग हमारे पास तीन जगह से बिजली गिरने के इंजर्ड मरीज आए हैं, टोटल 9 मरीज आए हैं, जिसमें 4 जो हैं वो ब्रॉड डेड है, मरा हुआ है, और 5 का हम लोग ट्रीटमेंट यहाँ कर रहे हैं। ये सब दो बहन जो शाहपुर गाजीपुर थाने के शाहपुर से आया है, वो दोनों मरी हुई है। इसी बीच यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश पुलिस सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट और गलत सूचना पर तुरंत कार्रवाई कर सराहनीय कार्य कर रही है। ईआरबी 112 की कुशल पुनः तैनाती ने पुलिस प्रतिक्रिया समय को 14 मिनट से घटाकर 9 मिनट से भी कम कर दिया है, जिससे तुरंत और समय पर कार्यवाही हुई है। डबल इंजन की सरकार से मजबूत हुई यूं उत्तर प्रदेश पुलिस ने कई आयाम अपने नाम किए हैं। 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उद्योगों को बिना किसी डर के मजबूत कानून और व्यवस्था का आश्वासन देता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस आपके पीछे खड़ी है। न्यू इंडिया के ग्रोथ इंजन, सबसे सुरक्षित राज्य उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। हमारे ओजस्वी एवं कर्मठ तथा उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करती हूँ कि वह कृपया इस गरिमामय अवसर पर हम सभी को अपने प्रेरणादायक आशीर्वचन से अनुग्रहित करने की कृपा करें। मिशन रोजगार के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पुलिस के लिपिकीय संवर्ग के 1148 जो अभ्यर्थी हैं उन्हें नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ यहां पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, पुलिस महानिदेशक श्री विजय कुमार जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड श्रीमती रेणुका मिश्रा जी, विशेष पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार जी, पुलिस के हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, नवनियुक्त लिपिकीय संवर्ग के सभी हमारे पुलिस परिवार में भर्ती हो रहे अभ्यर्थीगण और प्रदेश के अलग अलग परिक्षेत्र और जनपदों में उपस्थित हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, अभ्यर्थीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मेरे लिए यह अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है कि पुलिस फोर्स की दृष्टि से
डॉक्यूमेंटेशन की कार्रवाई हो या उनकी डे टू डे से जुड़ी हुई अन्य गतिविधियों को संवर्ग की बड़ी भूमिका है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।